हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आज आ चुका है। कैसा है ये ट्रेलर, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, जो हमें ट्रेलर में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की, जहाँ पे इसका म्यूजिक मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कानों को सुकून देता है। और इसमें कार्तिक आर्यन की एक्टिंग भी बढ़िया लग रही है। वही इसमें पुरानी कास्टिंग है, जो काफ़ी सही डिसीजन है मेकर्स का। ट्रेलर को देख के इसकी कॉमेडी और डायलॉग डिलीवरी काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। लेकिन अब अगर बात करें इसके सबसे बढ़िया चीज़ की, तो वो है अक्षय कुमार का कैमियो, जो हमें इस ट्रेलर में कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। लेकिन हमें इसमें देखने को मिला है मजनू भाई का सीक्रेट कैमियो। आपने कहीं पर भी इसमें मजनू भाई की पेंटिंग को नोटिस किया, ये वाली पेंटिंग को जो मजनू भाई ने वेलकम मूवी के अंदर बनाई थी। हो सकता है कि मजनू भाई का भी इस मूवी के अंदर कैमियो हमें देखने को मिल जाए। और अब अगर हम बात करें इसके नेगेटिव पॉइंट्स की, तो जहाँ पे भाई मुझे इसमें सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ लगी, वो है विद्या मालन और माधुरी दीक्षित की एक्टिंग। या मुझे उनकी ऐसा लग रहा है कि वो ये सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी डरावना नहीं लग रहा है। वो भूलभुलैया 1 वाली क्लासिक मोंजुली का इसमें मिसिंग है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पे हम सभी लोग जानते हैं भूत भूत क्या होते हैं, एक डरावनी चीज़ जिसको देख के हम सभी लोग डर जाएं, पर यहाँ पे भूत इतने ज़्यादा खूबसूरत है, इन्हें देख के कौन ही डरेगा। चलो मान लिया ये इंसान वाले रूप में, इसलिए हम नहीं डर सकते, लेकिन वह भूत वाले रोल में आ रहे तब भी इतने डरावने नहीं लग रहे, कुछ भी डरावने नहीं लग रहे। भूलभुलैया 1 वाले सीन काफ़ी ज़्यादा डरावने थे भाई इसके मुकाबले में। अब आपकी बारी, आपको इस ट्रेलर में कौन सी चीज़ अच्छी लगी, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।